स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.11 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, इस ये जो हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसके अंदर क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। बेसिकली ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, क्या है, dy / dx है, ठीक है जी भाई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनका जो सोल्यूशन है बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो पहले मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो अब आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ये वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं। तो लिहाजा अब समझिएगा, अब रियल क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो लिहाजा पहले जो इन क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो करूंगा और इंशाल्लाह उसके बाद इनका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जी, हाँ स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बेसिकली, लेकिन इनको करने से पहले एक थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ है वो समझाना ज़रूरी है, जो आगे के क्वेश्चन में स्टार्ट होगी, जो यूज़ करनी पड़ेगी, जो लगाना पड़ेगा, और बेसिकली उस टाइप के ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो वो क्या है मैं बताता हूँ। स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डी वाई / डी एक्स जिस इक्वेशन के अंदर होगा उसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके के क्वेश्चन थे। आप क्या करते थे, ये डिवाइड था उस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है ना बेटा। उसके अलावा टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लेते थे, सिंपल आपकी फॉर्म बन जाती थी, ठीक है, ये बात तो मानते हैं, इस तरीके से करते हैं। लेकिन बेटा अब जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें बताऊं क्या होगा, कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि डी वाई / डी एक्स होगा, लेकिन वो जहां पे आपके पास जो वेरिएबल होता था वो एक्स एक्स होता था ना, यहाँ पे मिक्स होगा। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर इस तरीके से दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, डी वाई / डी एक्स है, ये एक क्या है, ये एक क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि साइन ऑफ डिफरेंट, इसके अंदर साइन ऑफ एंटी डेरिवेटिव है ना, यानी कि डी वाई / डी एक्स। तो भाई इस इक्वेशन के अंदर साइन ऑफ डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे एक्स भी है और एक्स स्क्वायर भी है। तो भाई आप लोग ज्यादातर क्या करते थे, भाई वाई इज इक्वल टू और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स हो जाता था, यानी कि जो डिवाइड होता है उधर मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेते थे, लेकिन असल मसला ये आएगा कि भाई जब एंटी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो इसके ऊपर हम लोग कैसे ले सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं ले सकते। तो लिहाजा अब जो आपके पास जो बेसिकली क्वेश्चन आएंगे वो पहले कैसे आते थे, कि भाई इस तरह के आते थे, यानी कि डी वाई / डी एक्स लिखा होता था, और दूसरी तरफ जो था वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लिखे जाते थे जहां पे जो वेरिएबल होता था वो सेम होता था, एक्स एक्स होते थे। लेकिन जब आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं और इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं, तो क्या होता है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन तो होती है लेकिन उस साइड पे एक्स और वाई स्क्वायर, यानी कि दो वेरिएबल होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे के स्टेप बिल्कुल सेम है लेकिन शुरू की एक चीज है वो आपको मैं बताता हूं क्या करना होगा। बेटा कभी भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए ना, यानी कि उस दूसरी साइड पे आपको मिक्स चीजें मिल रही हो, तो आपने सबसे पहले बताऊं क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने। कैसे, जरा देखिए यहां पे, जरा देखिएगा क्या करेंगे, यहां पे एक्स वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर को एक साइड पे और एक्स स्क्वायर को एक साइड पे जमा करना है, बस ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लें। जैसे जरा देखिए, एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दें, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को इस साइड पे ले आए, तो ये मल्टीप्लाई और इक्वल टू के साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहां पे इसको डिवाइड कर दिया, फिर यहां पे क्या करेंगे, dx इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इस साइड पे क्या बचेगा, dx ही बचा रहेगा। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर को आपने एक साइड पे भेज दिया था। तो अब जरा देखें, आपने सिंपल ये दिमाग में याद रखने कि कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करना हो लेकिन दूसरी साइड पे दो वेरिएबल है, जैसे पहले आपको एक्स एक्स मिल जाते थे ना, या वाई वाई भी बोल दो तो अगर एक वेरिएबल मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा आपको दो वेरिएबल्स मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आए और दूसरी साइड पे दो डिफरेंट क्या हो, वेरिएबल्स हो, तो उनको आपने अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करना है, कि भाई जैसे डी वाई इस साइड में ना, तो सारी वाई की टर्म्स को एक साइड पे और डी एक्स जहाँ डी एक्स इस साइड पे आ जाएगा, तो एक्स वाली टर्म को सारे को इस साइड पे आपने जमा कर लेना है। और उसके बाद जो हम क्या करते थे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेते थे, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेने के बाद हमें एंटी डेरिवेटिव लेना होता था, तो सिंपल हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये बस देखें, जिस तरह के मैंने यहाँ पे किया कि भाई वाई स्क्वायर यहाँ पे था, उस सारे को मैंने एक साइड पे जमा कर दिया और एक्स वालों को एक साइड पे जमा कर दिया, तो भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे डी एक्स था उसको उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे पता है यहाँ पे जो एक्स था, इस एक्स को मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, बेसिकली यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या करना है कि एक्स वाई वाली की टर्म को एक साइड पे और एक्स वाली टर्म को दूसरी साइड पे मुझे जमा करना है। जब मैंने ये जमा कर लिया, फिर इसके बाद में साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लूंगा। तो अब जरा देखें कि यहाँ पे मुझे वाई का एंटी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पे मुझे x का एंटी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू
x का एंटी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो उम्मीद करता हूं कि भाई ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि भाई कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर मिक्स हो, तो भाई आपने y वाली टर्म को एक साइड पे और x वाली टर्म को एक साइड पे जमा करना है और फिर इसके ऊपर साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लेना है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके अलावा यहां पे ये हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर यहां पे ये प्लस हो रहा होता तो यहां पे ये प्लस है तो इस इक्वल टू के साइड पे जाके ये माइनस का होता, अगर यहां पे ये डिवाइड हो रहा था तो इस इक्वल टू के साइड पे जाके मल्टीप्लाई होता। बस मेन चीज आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि भाई इसके एक साइड पे यानी कि दोनों वेरिएबल तो भाई y वालों को एक साइड पे जमा करना है और x वालों को एक साइड पे जमा करना है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो इंशाल्लाह भी हम लोगों को आगे क्वेश्चन करने हैं तो वहां पे आपको और डिटेल में समझ आ जाएगी। बस ये बस याद होना चाहिए कि भाई y वाले टर्म्स को एक साइड पे और x वाली टर्म्स को एक साइड पे करने जब भी आपके पास ये मिक्स आ जाए और जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करना हो। तो चले जाए अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करूंगा वहां पे आपको चीजें सारी डिटेल में अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है जो बेसिकली हमें क्या दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका सोल्यूशन करना है। यहाँ पे आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि अब जो हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक है, उसके अंदर आपको कंडीशन नहीं दी गई यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू लिखी जाती थी वो नहीं दी गई, तो इसका मतलब यह है कि आपको वो वैल्यू नहीं पुट करनी होगी। सिंपल है, तो कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है, बिल्कुल आसान ही चीज है, जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं वही करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा जो आप देखते साथ ही समझ जाएंगे। तो चलिए जी इनके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद जरा देखिए आगे क्या होगा। स्टूडेंट यहां पे जरा देखिए इस साइड पे आपके पास डिफरेंट वेरिएबल है, तो आपको पता है डीएक्स जब मैं इस साइड पे भेज दूंगा तो मुझे साइन ऑफ एंटी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो भाई एक्स का तो एंटी डेरिवेटिव आ सकता है लेकिन वाई का कैसे मैं ले लूंगा, क्योंकि ऑपरेटर जो होगा डीएक्स की फॉर्म में होगा, तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा कि वाई वाली टर्म को एक साइड पे और एक्स वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे जमा करूंगा। तो उसके लिए जरा देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, वाई स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के साइड पे लाके यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, और यहां पे एक्स स्क्वायर और डीएक्स था वो इससे मल्टीप्लाई में आ गया। उम्मीद करता हूं कि क्या किया, बेसिकली y वाली टर्म को एक साइड पर और x वाली टर्म को मैंने एक साइड पर जमा कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे भाई, टेक इंटीग्रेशन, ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेना है। तो भाई इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन दूसरी साइड पे भी आ गया। तो यहाँ पे जो चीजें थी वो ऐसी कैसी है नहीं, लेकिन सिंपल साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो लेना था वो मैंने ले लिया। अब आगे क्या होगा, अब बेसिकली बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना डायरेक्ट ले सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे वाई एक्स का एंटी डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भाई इजिली ले सकते हैं। तो समझ आ रहा है कि शुरू में जो हमने एक्स की टर्म और वाई की टर्म एक साइड पे करी थी वो इसलिए की थी कि आगे चल के हमें एंटी डेरिवेटिव लेना होगा वो इजिली कर सके। अब चलते हैं आगे। अब बेटा मुझे बताएं यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव लेना है 1/y है, तो भाई 1/y पे मैं नहीं ले सकता, तो इसको ऊपर लेके आऊंगा तो प्लस का 2 था तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया कि भाई एंटी डेरिवेटिव इजीली ले सकूं। यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग की जरूरत है जी, यहाँ पे कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही रहने दें, हम इसके ऊपर इजीली डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो चलो जी अब लेते हैं। तो भाई वाई का एंटी डेरिवेटिव लेना है तो इसकी पावर के अंदर एक जमा किया, तो मुझे पता है -1 के अंदर एक जमा करेंगे तो -2 और एक जमा किया तो -2 में से एक जमा करेंगे तो -1 बच जाएगा। तो भाई जो पावर बचती है वो इसके डिवाइड में आ जाती है। इज इक्वल टू, अब जरा देखते हैं यहाँ पे इसके ऊपर पावर क्या लिखी है, 2 है, तो उसके अंदर एक जमा करेंगे 3 बन जाएगा और वो ही इसके डिवाइड में आ जाएगा एंड प्लस सी। सिंपल बेटा, अब हम आगे और क्या कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा बेटा यहाँ पे माइनस एक्स को अपॉन में लेके आऊंगा तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, वाई की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस लिखो या लिखो कोई मसले की बात नहीं है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब जरा देखेंगे ये आ गया। अब मुझे बताएंगे बेटा आपने लेना था एंटी डेरिवेटिव, आप लोगों ने एंटी डेरिवेटिव बड़े ही मजे तरीके से ले लिया है, ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे कुछ बोलेंगे, सर यहाँ पे तो सी है, हमें सी तो खत्म करके दें। बेसिकली बेटा यहाँ पे आपको कोई कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी ही नहीं गई यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू दी गई नहीं है, तो आप इसके एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी, और जब सी की वैल्यू आएगी तो फिर आप इसके अंदर सी की वैल्यू पुट करेंगे और वो आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं करना क्योंकि आपको कंडीशन नहीं दी गई, लेकिन इंशाल्लाह जब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आपको बेसिकली ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा लिमिट्स दी जाएंगी, लिमिट्स कह रहा हूं जो कंडीशन है वो दी जाएगी, बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू दी जाएगी, तो वहां पे आपको ये करना पड़ेगा यानी कि सबसे पहले अरेंजिंग करनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू को एक साइड पे, वाई की वैल्यू को एक साइड पे, और उसके बाद एंटी डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद प्लस सी जो आएगा उसको हम इक्वेशन यानी कि प्लस सी जब आ जाता है एंटी डेरिवेटिव जब हम ले लेते हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, और फिर एक्स और वाई की जो वैल्यू पुट करेंगे वहां से सी की जो वैल्यू आएगी फिर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं कर रहे, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर
6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलमोस्ट यही स्ट्रेटेजी चाहिए, यानी कि जिसके अंदर प्लस सी आर होगा, प्लस सी को हमने नहीं निकालना होगा, क्यों? क्योंकि हमें वहां पे कंडीशन नहीं दी जाएगी। तो फिलहाल ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर मुबारक हो। लेकिन बेटा जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे वो आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, इसको थोड़ी सी अरेंजिंग की गई है। तो वो अरेंजिंग क्या की गई मैं बताता हूँ, कि -1/y ऐसे कैसे रहने दिया है, इसका लिया है एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए भाई डोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की ये कुछ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को मल्टीप्लाई किया -1 हो जाएगा, और y को इससे मल्टीप्लाई किया तो x³ + 3c, ठीक है जी बेटा, ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये माइनस का इज इक्वल टू उस साइड पे जाके प्लस का हो गया, तो लिहाजा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y x³ + 3c एंड माइनस का इज इक्वल टू इस पे जाके प्लस का 3 हो गया और इज इक्वल टू 0। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको कुछ आंसर जो है वो इसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो अपना आंसर इस तरीके से छोड़ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं वो भूल जाते हैं, सर हम आगे की सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। तो भाई जो एग्जामिनर है वो इतना समझता है कि भाई बच्चा रट्टा मार के नहीं आया हुआ, सोल्यूशन करके आया हुआ, कोई 2-3 हज़ार क्वेश्चन है वो कैसे रट्टा मार सकता है किसी भी आंसर्स के। तो भाई सोल्यूशन जो है ऑलमोस्ट के जो मेथड्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, सोल्यूशन सेम होना चाहिए, लेकिन आगे की जो वैल्यूज होती है बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो होती है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग चल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर होंगे और आगे हम करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलें जी अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका सोल्यूशन करना है। तो चलिए जी आए स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या लिखा है, dy/dx = x cos²y, ठीक है जी बेटा। अब हम आगे क्या करेंगे जरा देखें, dy ऐसे कैसे रहने दिया, x cos²y। अब जरा देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली चलिए dx इसको यहाँ पे भेज दिया, dx इधर डिवाइड में साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा मुझे यहाँ पे बताएं, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, यानी कि एक x की फॉर्म में और एक y की फॉर्म में। तो ये बात आपको पता होगी कि भाई y वालों को एक साइड पे करना है और x वालों को एक साइड पे करना है। तो लिहाजा ये जो cos²y एक साइड पे ये मल्टीप्लाई और उसको इस साइड पे मैं डिवाइड पे कर दूंगा। तो चलिए जी यहाँ पे डिवाइड पे करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई y वाली टर्म मुझे एक साइड पे जमा करनी होती है और x वाली टर्म जो है वो दूसरी साइड पे जमा करनी होती है। तो x dx, तो सिंपल cos²y इधर मल्टीप्लाई था उसको इस साइड पे भेज दिया, तो इस साइड पे मेरे पास xx रह जाएगा और एक साइड पे मेरे पास yy रह गया, सिंपल। अब मैंने आगे क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, टेक इंटीग्रेशन, ठीक है जी, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो चलें जी इंटीग्रेशन का साइन जो है वो दो साइड पे ले लेते हैं। तो जरा देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आ जाएगा, cos²y, ठीक है जी बेटा, और इसी तरीके से एंटी डेरिवेटिव किसके पास आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा। अब जो मसला आएगा वो ये आएगा कि भाई x का तो एंटी डेरिवेटिव इजीली ले लेंगे, जमा एक करेंगे वो डिवाइड में कर देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, कोस स्क्वायर का तो एंटी डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद ही नहीं है, यानी कि भाई अगर कोस स्क्वायर ऊपर भी होता तो मैं इसको इजीली कर सकता था, डोमिनेटर में है, तो उसको सीधा करने के लिए जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा। सबसे पहले 1/cos किसका इन्वर्स होता है, sec का इन्वर्स होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये sec स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है जी बेटा। इज इक्वल टू आगे चलते हैं, 1/x लिखा हुआ है तो ये x dx है, ये इसको मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इसको मैंने चेंज किया क्यों, क्योंकि cos का स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव नहीं ले सकता था, तो 1/cos के इसको बेसिकली एक तरीके से कहूँ तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब जरा देखें आगे क्या होगा, sec स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट x होता है, तो सिंपल वो मैंने लिख दिया। अब आगे चलते हैं, इज इक्वल टू x का एंटी डेरिवेटिव, तो भाई पावर 1 है उसके अंदर एक जमा की तो 2 बन गया और वही डिवाइड में लिख दिया एंड प्लस c, तो सिंपल आपका आंसर आपके सामने है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप अब चाहे तो इसको इस तरीके से लिखना चाहे तो यूं लिख दें, अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो x²/2 ये प्लस का इज इक्वल टू के साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा टेंजेंट एंड प्लस सी, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका आंसर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, कि मेन चीज इसमें क्या है कि भाई जब भी दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हों तो भाई एक वेरिएबल को एक साइड पे, दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड पे, यानी कि एक्स एक्स को एक साइड पे, वाई वाई को एक साइड पे जमा करना है, फिर उसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लेना है। फिलहाल हमें यहाँ पे कंडीशंस नहीं दी गई, तो इंशाल्लाह जब आगे कंडीशन दी जाएंगी आगे के क्वेश्चन में तो भाई एक्स की जो वैल्यू होगी, जो वाई की वैल्यूज होंगी वो हम पुट करा करेंगे। अच्छा एक देखें बड़ा मसला हो गया हमारे साथ, क्या कि भाई ये था sec y था तो यहाँ पे टेंजेंट y आना था, मैंने गलती से यहाँ पे x ही लिख दिया, तो भाई ये y आएगा, ठीक है बेटा ये y होगा। तो शुक्र करें आपको समझाने लग गया और गलती सामने ही नजर आ गई, बहुत बहुत अच्छा हुआ अल्लाह के फजल करम से। तो भाई ये जरा देखिएगा, ये आपका आंसर आपके सामने आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इंशाल्लाह आगे मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।